नमस्कार मित्रों, हूँ कैलाश शर्मा, आप जो रहा छो वंदे समाचार। वस्त्राल मा रहता नमन एन सोनी नामना विद्यार्थी जे जी एडवांस परीक्षा मा देश मा छठा रैंक ए तेमज राज्य मा प्रथम नंबर ए पास थयेल छे, तो आजे अमारा वंदे समाचार नी टीम ए एमनी मुलाकात लीधी। मारो नाम नमन सोनी छे, हूँ जेई एडवांस मा AIR 6 छू, गुजरात नो टॉपर। मारू सफलतानु श्रेय मारा मम्मी पप्पा, मारा परिवार अने समाज ने देऊ छू। मुक जेई एडवांस नी प्रिपरेशन क्लास 9 थी स्टार्ट करी दीधी हती, बोथरा क्लासेस थी, अने रोज दर रोजे 3-4 कलाक भणतो हतो 9th अने 10th मा। क्लास 11-12 थी हूँ 8 घंटा भणवानुं शुरू कर्युं हतो, अने जल्दी शुरू करवाथी रिविजन नो टाइम मळ्यो हतो एटले प्रिपरेशन सारी थई गई हती। આગળ મને IIT બોમ્બેમાં કોમ્પ્યુટર સાયન્સ કરવાનું છે। હા, નમન સોની, એ નાનપણથી જ એના ભણવામાં રુચિ હતી, એની ભણવામાં બી રુચિ હતી, પરિવાર માટે બી એ કમ્પ્લીટ ટાઈમ નીકાળતો જ હતો, કોઈ બી ફંક્શનમાં જવાનું હોય તો બી જતો જ હતો, તો છતાં પણ એ ભણવામાં આગળ હંમેશા અવ્વલ નંબર જ આવતો હતો, કદી એ કોઈ બી વિષય કોઈ બી સબ્જેક્ટ કોઈ બી લેક્ચર મિસ કર્યો નથી। હા, અમે અને પૂરેપૂરો અમે અમારા પરિવારવાળા બધા કમ્પ્લીટ એને સપોર્ટ કરીએ છીએ, આશ્વાસન આપીએ છીએ, બધી રીતે અમે એને સમય આપીએ છીએ। હા નમન, મારા દોઈતા હે એ પઢને મેં ઠેઠ સે ભી હોશિયાર થા, પઢાઈ મેં બહુ જ્યાદા ધ્યાન રખતા થા। નમન સોની અમારા માહેશ્વરી સમાજનું બાળક છે, અને અમને પૂરી સોસાયટીમાં અને આમ જોવા જઈએ તો પૂરા રાજસ્થાન સમાજનો અમારે એક માટે બહુ જ સરસ ગૌરવ છે, અને અમને એનો બહુ જ આનંદ થયો છે। પ્રથમ દિવસે જ્યારે દશેરાના દિવસે રિઝલ્ટ આવ્યું હતું તો એણે અહીંયા અમારા સમાજે એને બહુ સરસ રીતે વધાવ્યો હતો, અને એ અમારા માટે ભવિષ્ય છે જ, અને એના પરિવાર માટે પણ એક બહુ જ નામ રોશન કરશે એવી અમને અપેક્ષા છે। मेरे भतीजे ने बहुत अच्छा जो GET के एग्ज़ाम दी उसमें ऑल गुजरात में फर्स्ट आया है और इंडिया में 6 रैंक आया है, हमारे समाज का और हमारे परिवार का बहुत अच्छा नाम किया है, और ये आगे ऐसे ही बढ़ता रहे हमारी यही शुभकामना है इसको। साथ साथ में हमारे समाज के सभी युवा साथियों से यही निवेदन करूँगा, आगे आवे और पढ़ाई पर पूरा ध्यान फोकस करे और नाम अपने परिवार का रोशन करे, यही शुभकामना देता हूँ सभी को। मैं मधु सोनी इसकी मम्मी बोल रही हूँ। पेरेंट्स तो मतलब हर बच्चे के लिए करते हैं, पर इसके बड़े पापा बड़ी मम्मी, इसके चाचा चाची, नाना नानी, मामा मासी या बुआ, मतलब कि मैं किसी का नाम नहीं टाल सकती, सबकी दुआ सबका सपोर्ट बहुत रहा, और मैं भगवान से मतलब अपने समाज से या सभी बच्चों से यही कहती हूँ कि हर एक बच्चा भले अपनी कोई सी भी परिस्थिति हो, कभी बच्चे को पीछे मत हटाने देना। ये जरूरी नहीं कि IIT के फील्ड में ही, उसको जिस फील्ड में रुचि हो मतलब उसको कभी पढ़ाई में कभी पीछे मत हटाना। और मेरी यही इच्छा है कि भगवान अगर किसी को भी कभी भी कोई भी चीज़ में अगर नमन से कोई अगर सलाह जरूरी है, मतलब सलाह चाहिए, तो मेरा बेटा हर दिन आगे रहेगा समाज में, कभी भी कोई भी चीज के लिए कभी पीछे नहीं रहेगा, और इसके सबकी मदद करेगा। मैं नमन सोनी के साथ उसका सीनियर था, हम दोनों साथ में ही जाते थे और साथ में ही ट्यूशन आते थे। मैं एक साल पहले IIT खड़गपुर में हूँ, और नमन की बहुत ज़्यादा मेहनत रही है, साथ साथ हम लोग एक बिजनेस बैकग्राउंड से आए, तो कभी भी मतलब हमको ऐसा नहीं कहा गया कि बिजनेस बैकग्राउंड में ही रहो, हमारी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया हमको पढ़ने के लिए, और नमन सोनी ने जो AIR 6 लाया वो उसकी बहुत मेहनत प्लस बहुत लक से लाया, और उसकी पूरी मेहनत थी उसके साथ, तो उस हिसाब से बहुत उसने मेहनत किया और उस हिसाब से लाया। नमन एन सोनी ना परिवार जनों नु कहेवू छे के दरेक समाज ना लोकोए पोताना बाळको ने भणवा माटे प्रोत्साहित करवा जोईए। આવી સાચી અને સચોટ માહિતી મેળવવા માટે આપ જોતા રહો વંદે સમાચાર। અમારી ચેનલને લાઇક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરો।